हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम भी मैं हूं अरुणिमा एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कल ही आपका आई बी का प्री एग्जाम है और उसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं आप सभी को मालूम है ये 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 25 मार्क्स के हैं वेटेज थोड़ा सा कम है सो लास्ट ईयर वन था इंग्लिश का कट ऑफ सो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहूंगी क्या होता है इंग्लिश में ऐसा नहीं था कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से आराम से फोर फाइव मार्क्स लेके वो आ सकते थे लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि फोर फाइव में तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी तो वो बहुत सारे ब्लाइंड कर देते हैं और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं इवन जीरो भी नहीं माइनस में काफी लोगों के इंग्लिश में मार्क्स आते हैं और सेक्शनल कट ऑफ वन पॉइंट सेवन फाइव इससे मतलब इतना कम कट ऑफ होते होने के बावजूद काफी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो आपका आपका है 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 वो भी बहुत है, so 125 marks बहुत ज़्यादा नहीं का होगा उसमें से से था ही आसानी से इसको clear किया जा सकता है, friends. So आज हम कुछ sentences देखेंगे और उनके जरिए कुछ इंग्लिश के रूल्स देखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे क्विकली रिवाइज कर लेके अगर आपने पढ़ा हुआ भी है और फिर क्या होगा कैन अश्योर यू की अगर आप इतनी चीजों को जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इतनी चीजों का भी अगर आप ख्याल रख लेंगे तो कल कई सारे क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है लेटर स्टार्ट यू कैन सी अंटेंस ऑन योर स्क्रीन द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी वू बी सपोज टू कॉल अ मीटिंग टू ब्रेन स्टॉम एंड शेयर आइडियाज टू मेक द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इफेक्टिव अब थोड़ा लंबा ही एक सेंटेंस है लेकिन अगर हमें एक सिंपल सा रूल मालूम है द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी अब यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप हो सकता है दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसमें कि ये डायरेक्टर है और ये फाउंडर है ठीक है किसी कंपनी का ये डायरेक्टर है और ये फाउंडर है ये दो व्यक्ति हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्टर भी है और फाउंडर भी है ऐसा हो सकता है ना सो so, कैसे इंग्लिश में कैसे आप बताएंगे कि ये दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है सो so, जब भी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जब भी आपको बताना है कि आ, आपके कंपनी में एक डायरेक्टर है और एक फाउंडर है ये दो अलग व्यक्ति हैं और आपको बताना है कि उन दोनों ने कुछ किया कोई भी बात तो आप कहेंगे द डायरेक्टर एंड द फाउंडर जैसे ही आपने कहा द डायरेक्टर एंड द फाउंडर मतलब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो जब दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आर हो जाएगा क्योंकि ये प्लुरल हो गए ठीक है लेकिन जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि डायरेक्टर भी है और फाउंडर भी है तो हम लिखेंगे द डायरेक्टर एंड फाउंडर ठीक है क्या फर्क है इस द का फर्क है अगर आपने आर्टिकल यहां और यहां दोनों जगह लगाया मतलब आप दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो गया अगर सिर्फ आर्टिकल द यहां है यहां पे नहीं है है तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जो कि डायरेक्टर और फाउंडर दोनों है तो ये सिंगुलर हो गया अब इस सेंटेंस में आप देखिए द डायरेक्टर एंड फाउंडर मतलब कितने व्यक्ति की बात हो रही सिर्फ एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी वर अब यहीं पे गलती नजर आ गई वॉज होना चाहिए अब आपको ये सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये रूल पता है बहुत ही जल्दी और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे गलती है या फिल अप द ब्लैंक क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको यहां पे वॉज आना चाहिए अगर ये फिल अप द ब्लैंक है वर नहीं आना चाहिए सो so क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का हो अगर आपको ये रूल पता है और इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

जब भी ईदर एंड नीदर अकेला होगा तो हमेशा ये सिंगुलर होगा याद रखें आप और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दिखे जहां पे ईदर है फटाफट से देखें कि ये ईदर से रिलेटेड तो कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है सो ईदर ऑफ द आइडियाज अब हमें पता है ना कि ईदर और नीदर जब भी होगा अकेले तो उसके वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे भी वर गलत हो गया ना वॉज हो गया अब आप देख रहे हो किस तरह से इतने लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से हम बच सकते हैं आपको इतने सारे देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको रूल पता है और आपको स्ट्राइक कर जाता है कि यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल है सो so, जो भी सेंटेंसेस होंगे क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स का टाइम होगा आप बार बार उन सेंटेंसेस में देखें कि कहीं ये रूल्स तो नहीं अप्लाई हो रहे हैं ठीक है दूसरा अगर ईदर अकेला नहीं है तो ईदर और और नीदर नॉर का पेयर बनता है और हमेशा याद रखें कि जब ईदर और हो और नीदर नॉर हो तो टू सब्जेक्ट्स आएंगे ईदर राम और श्याम नीदर राम नॉर श्याम और वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा सो ईदर राम और श्याम इज क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट है श्याम और वो सिंगुलर है अगर है ईदर राम एंड हिज पेरेंट्स तो सेकेंड सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स तो आर ठीक है नेक्स्ट

राउंड टू मिलियन स्क्वेर किलोमीटर ऑफ डीग्रेडेड लैंड अक्रॉस दर्ल्ड एंड इट विल बी रिक्वाड फॉर एवरी इंडिविजुअल टू प्लांट अग एवरी ईयर इस रूल से कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहेगा आपके एग्जाम में आप देखें रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट में है तो हमेशा ही ये विल यहां पर गलत हो गया ये वुड होना चाहिए ये भी पास्ट में होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट

जो कंबाइंड हो रहे हैं दोनों में फ्यूचर टेंस है तो जो फर्स्ट वाला है वो प्रेजेंट होना चाहिए इसलिए यहाँ पे ये विल गलत है इट शुड बी वेन यू कम टू देहरादून वी विल गो टू नेक्स्ट द कपल विच वोट टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट टेन इयर्स, डिसाइडेड टू गेट अ डिवोर्स एज दे कुटअप विथ वन अनादर एनी मोर अब यहाँ पे जो रूल है रिलेटेड टू ईच अदर एंड वन अनादर ओके okay. सो so, जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग होता है और जब भी दो से ज्यादा की बात करते हैं मोर देन टू तो वन अनदर का यूज होता है सो so, यहाँ पे जब हम कपल की बात कर रहे हैं तो कितने लोगों की बात कर रहे हैं दो लोगों की तो इट शुड बी ईच अदर नॉट वन अनदर ओके सो गलती यहाँ पे है नेक्स्ट यूरोप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस अ मोर सीवियस रिसेशन

अगर हम कहते हैं वेदर ऑफ देहरादून इज कोल्डर दैट मीन कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं देहरादून के वेदर को कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से दिल्ली शहर से तो ये गलत हो गया कंपेरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में होता है सो दैट ऑफ देहरादून इज कोल्डर दैन दैट ऑफ दिल्ली और वेदर ऑफ सिमिलरली देन लास्ट डिकेड यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि रिसेशन का कंपैरिजन यहाँ पे होना चाहिए दैन दैट ऑफ लास्ट डेकेड मतलब लास्ट डेकेड का जो रिसेशन था उस रिसेशन से ओके नेक्स्ट रीमोनेटाइज़ द पुअर वाज़ द मोर यूनानिमस डिमांड फ्रॉम द अपोजिशन एज डिबेट्स अराउंड व्हाट वुड बी अ मोर परफेक्ट डिसीजन वर कंडक्टेड अमिट द वेरियस कंस्ट्रेंट्स अब जब भी एड्जेक्टिव की बात आती है तो आपको मालूम है कि कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिवे एड्जेक्टिव होते हैं गुड बेटर बेस्ट ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल लेकिन कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो नॉन ग्रेडेबल होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम कोल्ड कहते हैं ठीक है ये एडजेक्टिव है तो कोल्ड डिग्री में हो सकता है ज्यादा कोल्ड हो सकता है कम हो सकता है लेकिन जैसे ही हमने फ्रीजिंग कह दिया तो अब ये नॉन ग्रेडेबल हो गया अब हम ज्यादा फ्रीजिंग कम फ्रीजिंग नहीं कर सकते फ्रीजिंग मतलब वो अपना हाईएस्ट पे चला गया उसी तरह से कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हम उनको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम उनके साथ नहीं लगा सकते सो यूनैनिमस यूनैनिमस जो है वो एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है इसी तरह से परफेक्ट परफेक्ट मोर परफेक्ट लेस परफेक्ट नहीं बोल सकते सुपर्ब अब बोल दिया एक बार तो अब मोर सुपर लेस सुप नहीं बोल सकते तो ये सारे नॉन ग्रेडेबल एड्जेक्टिव है तो याद रखेंगे यहाँ पे मोर गलत है यहाँ पे मोर गलत है इट शुड बी वॉज द यूनैनिमस डिड फ्रॉम द अपोजिशन एज डेबेट्स अराउंड वॉट वुड बी अर्फेक्ट डिसीजन कंडक्टेड अमिड द वेरियस कंस्ट्रेंट नेक्स्ट द प्राइवेसी एज वेल एज द डेटा प्रोटेक्शन द प्राइवेसी एज वेल एज द डेटा प्रोटेक्शन ऑफिस

तो आपको याद है कि हमेशा वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए लेकिन जब एज वेल एज है तो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए इसी तरह से अगर टुगेदर विथ है अलोंग विथ है तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट ओके सो कैप्टन टुगेदर विथ द टीम प्लेयर्स इज क्योंकि हमें फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो इसका अगर ध्यान रखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे सो so, गलती कहा हो गई एज वेल एज है तो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्राइवेसी और ये है सिंगुलर तो यहाँ पे इज होना चाहिए नेक्स्ट द डजन ऑफ रेसिपीज फॉर स्टॉक्स एंड सॉसेस फाउंड इन मेनी फ्रेंच कुक बुक्स आर इसेंशियल फॉर यंग कुक्स वर्किंग इन फोर स्टार किचन नाउ यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट क्या है मास्टरिंग So, यहाँ पे ये क्या है जेरंड है जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है ना तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे वर्ब के साथ आई है लेकिन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा तो ये हो गया जिरण जब भी कोई वर्ब है आई के साथ और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा तो मतलब वो जेरंड है और वो सिंगुलर होता है हमेशा याद रखें तो यहाँ पे मास्टरिंग द डजन ऑफ रेसिपीज फॉर स्टॉक्स एंड सॉसेस

जरूर आप कुछ क्वेश्चंस इनकी मदद से सॉल्व कर पाएंगे कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि आप, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और प्लीज ब्लाइंड गेसिंग ना करें सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग